नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी हाल ही में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने एक ऐसे ही मामले को सुलझाया जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर क्राइम किया जा रहा था, लोगों को ठगा जा रहा था। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP सागर सिंह कलसी जी का। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक इंटर स्टेट सिंडिकेट ऑफ फ्रॉडस्टर्स गैंग बस्ट किया है। 3 लड़कों की अरेस्ट करी है। मामला हमारे बुराड़ी थाना जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। इन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल में एक कंप्लेंट दी कि 1,49,000 का इनका जो पैसा है वो ऑनलाइन गेमिंग में किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया है। हमने केस दर्ज किया, चेक किया कि एक funplay9.com पे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मनी ट्रेल और जो मोबाइल टेलीफोनी का सर्वेलेंस होता है उसके चलते ये पाया गया कि ये फेडरल बैंक और यूनियन बैंक के इंटरस्टेट अकाउंट्स थे, कर्नाटका के और छत्तीसगढ़ के, अलग अलग जगह के। फिर चलते चलते इसमें जब इन्वेस्टिगेशन और आगे हुई तो एक दिल्ली में उत्तम नगर एरिया का एड्रेस आता है जहाँ पर हमारी टीम ने बड़े अच्छे से एक स्विगी के जो डिलीवरी बॉय है वो बनके वहाँ पर रेड करी। और ये 3 लड़के जिनका नाम मेन सरगना का श्रियांश चंद्रशेखर और साथ में आयुष और यश, इनको पकड़ा। श्रियांश चंद्रशेखर और बाकी इन दोनों की जब इंटरोगेशन में पता चला कि इन्होंने एक राज नाम के शख्स से ये सीखा कि ऑनलाइन गेमिंग में एक कॉइन सिस्टम से लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद में उनसे पैसा लेते हैं और कॉइन देते हैं। जब वो लोग हारते हैं तो वो पैसा इनकी तरफ जाता है। जब इनकी कोई वेबसाइट जिसमें कि इनका डेबिट ज़्यादा बढ़ जाए तो ये वेबसाइट बंद कर देते थे, फ़ोन बंद कर देते थे। funbet.9, betbhai9, gold99, सिल्वर एक्सचेंज, स्काई पैटर्न, इस तरीके की कई वेबसाइट्स हैं जो इन्होंने पहले बनाई और बाद में कैंसिल कर दी। इनसे हमें काफ़ी सामान भी मिला है, 8 डेबिट कार्ड, 3 आईफोन, 4 स्मार्टफोन अलग से, 8 फेक सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 क्रेडिट कार्ड, 2 ई सिम और बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। और इनके जो बाकी मेंबर्स हैं और इसमें जिन्होंने इनके साथ साथ दिया है उन पर तफ्तीश जारी है, और इन्होंने किन लोगों को ठगा है इसके बारे में भी तफ्तीश जारी है। जो हमारा स्टाफ है जिन्होंने अच्छा काम किया है, SI गुमान सिंह और उसकी टीम ने, इनको हम रिवार्ड कर रहे हैं। जैसा कि कलसी साहब ने बताया, उस टीम को रिवार्ड दिया गया है। उस टीम में SI गुमान सिंह, SI रंजीत, ASI महेश और हेड कांस्टेबल कल्लू राम थे। और ये पूरी टीम काम कर रही थी सुपरविजन में पवन सिंह तोमर जो कि SHO साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ हैं, और धर्मेंद्र कुमार ACP ऑपरेशंस के अंदर। हम लोगों की साइबर अवेयरनेस को लेकर एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उसको देखें, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र बचाव है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।